हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है जनरल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड जनरलाइज्ड एंड डीजनरेटेड कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स। इसका सिनोप्सिस है इंट्रोडक्शंस जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा स्पेशल कैरेक्टर्स डीजनरेटेड कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोस्टोमेटा कंक्लूजन और रिफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है साइक्लोस्टोमेटा साइक्लोस यानि सर्कुलर, स्टोमा यानि माउथ। इनमें सर्कुलर माउथ होता है। यह लिविंग गैंथोस्टोम से है। यह मुख्य रूप से फिशेस पर परजीवी पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। यह ईल फिश के समान है। सेकेंड है जनरल कैरेक्टर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा जो स्लेस एनिमल है, बिना जबड़े वाला जानवर है। बॉडी इस राउंडेड व ईल के समान लंबी है। जो बॉडी जो होती है वह राउंड शेप में होती है तथा ईल के समान होती है। स्किन कोमल व चिकनी है। थर्ड है स्पेशल कैरेक्टर्स सेक्टोरियल माउथ। सेक्टोरियल माउथ चूसने योग्य मुंह होता है। पावरफुल मस्कुलर टंग, शक्तिशाली मोसल जीभ होती हैं। प्रोडक्शंस ऑफ एंटी कोगुलेट इन सलाइवा, लार में थक्का रोधी का उत्पादन होता है। सिंगल डोर्सल होस्टिल ऑन हेड, सिर पर एकल पृष्ठीय नसिका। डीजनरेटेड कैरेक्टर्स एक्सोस्केलेटॉन्स एब्सेंट्स, ब्राहा कंकाल अनुपस्थित, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटॉन्स कार्टिलोजिनस अब्सेंट, अब्सेंट ऑफ पेरेड फिन, युग्मित पंखों का अभाव। रिड्यूस लीवर, लीवर कम करे। क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोस्केलेटॉन्स वर्टिब्रेट्स, इसका डिवीजन टू टाइप से होता है एगेंथा और गैंथोस्टोमेटा। जो एगेंथा है वह आगे चलकर टू पार्ट में डिवाइड होता है, साइक्लोस्टोमेटा और ओस्ट्राकोडर्म। जो साइक्लोस्टोमेटा है वह टू पार्ट में डिवाइड होता है पेट्रोमिजोटिफॉर्मेस और मिक्सीफॉर्मस हैगफिश, हगफिश और पेट्रोमिजोटिफॉर्मस सी लैम्प्री मछली और हैग मछली में क्या अंतर होते हैं। जो सी लैम्पी मछली होती है वह पैरासाइट होती है। हग फिश जो होती है वह फ्री लिविंग होती है। इसमें वेंट्रल माउथ होता है, इसे टर्मिनल माउथ होता है। ये मेराइन व फ्रेश वाटर दोनों में रहती है। ये मेराइन व बिल बनाकर रहती है। इसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होता है। इसमें 8 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होता है। विल डेवलप्ड ब्रेन, इसमें डेवलप्ड होता है ब्रेन। पुअर डेवलप्ड 7 पेयर गिल इलाइट, 15 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। पेट्रोमाइजोन लैम्प्री का इस टाइप से डायग्राम होता है जिसमें नोस्ट्रिल आई 7 पेयर गिल इलाइट्स बक्कल फनल डोर्सल फिन तथा कडल फिन लार्ज होता है। तो अगला है माइक्सिन यानी हग फिश। अगला पॉइंट है कंक्लूजन। यह प्रिमिटिक वर्टिब्रेट्स एनिमल है। यह एडल्ट स्टेज में साइक्लोस्टोमेटा एकमात्र फर्स्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स है। वह पहला साइक्लोस्टोमेटा प्लेकोइड थी जो विलुप्त हो गया है। इसमें हेग फिश व लैम्प्री शामिल है। इसका रेफरेंस है कंपरेटिव एनाटोमी ऑफ वर्टिब्रेट्स आर के सक्सेना एंड सुमित्रा सक्सेना।